श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा सागवाड़ा और मेड़ता पीठाधीश्वर श्री रामकिशोर महाराज के पावन सानिध्य में जुना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद भागवत कथा का मईपाल मैदान में कथा के चौथे दिन आयोजन हुआ। इससे पूर्व व्यासपीठ पर पोती पूजन मेड़ता पीठ रामद्वारा के उत्तराधिकारी संत रामनिवास शास्त्री, नीरज पंचाल, पूनम चंद लबाना, मुकेश भोई, नीरज शर्मा, आयुष जोशी, ज्योतिन्द्र दवे, अक्षय सोनी, मोहित भावसार, मुकेश भावसार, लता तायल अजमेर, राज नायर भिलवाड़ा, रवि गुप्ता अजमेर, गजेंद्र भावसार द्वारा की गई। महाराज ने गौ की महिमा बताते हुए कहा कि पंचगव्य मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। लोगों को पुनः गाय की ओर लौटने का कहते हुए कहा गया कि गाय का दूध अमृत है, गाय को न रहने से मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा, इसलिए हमें गाय का संरक्षण करते हुए गाय को गौ माता मानते हुए सेवा करनी होगी। महाराज श्री ने कहा कि हमारी संस्कृति जीवन पंच गवार से बनी है, जिसके लिए जीवन में पांच गवार गुरु, गौ, गंगा, गीता और गायत्री हैं, जो सर्वदा सुरक्षित हैं, निरोगी हैं, स्वस्थ हैं और उन्हीं का मार्ग प्रशस्त होता है। आचार्य ने कहा कि हरि का स्मरण समस्त दुखों का नाश करने वाला है। तत्काल प्रसन्न होने के लिए ओम का जप करें। ओम का जप नहीं होता है तो राम सर्वव्यापी है, जिसके स्मरण मात्र से मुक्ति मिल जाती है। आठ राम नाम मंत्र को मुक्ति का मंत्र बताया गया। भारत देश और यहाँ की संस्कृति अनेक धर्मों की और उनकी शिक्षाओं को न केवल अपने में संयोजे हुए है, अपितु इस देश की संस्कृति ने किसी भी धर्म को श्रेष्ठ या निम्न नहीं आका। भारतीय संस्कृति यथार्थ के बहु आयामी पक्ष को स्वीकार करती है तथा दृष्टिकोणों, व्यवहारों, प्रथाओं एवं संस्थाओं की विविधता का स्वागत करती है। वहीं कथा के अंत में मेड़ता पीठाधीश्वर राम निवास शास्त्री ने कहा कि भारत को सनातनी देश बनाना है, हर हिंदू को सनातन धर्म ध्वजा को आगे ले जाना है। धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। मुख्य आरती के यजमान प्रभुलाल वाडेल, मोतीलाल पटेल, मोहनदास वैष्णव, हकुभाई मैडा, प्रधानेश्वर लाल सरपोटा थे। वहीं महाआरती विजय पंचाल, नीलम पंड्या, दीपक राठौर, कन्यालाल नागदा, सुमित्रा बैरागी, शिवराम मोची, तेज प्रकाश गुप्ता ने उतारी। संतों का सानिध्य ध्यानीराम महाराज, संत राम प्रकाश महाराज, संत उदयराम महाराज, संत राम तारा राम महाराज, राम दीदी, संत ज्ञानेश्वर, संत अमृता राम का प्राप्त हुआ। कथा पश्चात पोथी यजमान लक्ष्मीलाल भावसार, पुरुषोत्तम भावसार साबला, पवन भावसार बांसवाड़ा, जयंत भावसार, नरेंद्र भावसार, मंगला देवी, महेश चंद्र भावसार बांसवाड़ा, कमल कुमार शर्मा, देवलता भावसार, भारती बहन द्वारा हवन का लाभ लिया गया। साथ ही कथा में सांसद कनकमल कटारा, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, बांसवाड़ा विधायक अर्जुन लाल बामनिया, पदयात्रा गुरु महंत देवी सिंह चौहान, बनकोड़ा ओडा, जिला गो सेवा समिति अध्यक्ष विनोद पंचाल, डूंगरपुर देवशंकर सुथार सहित महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे। इस दौरान क्या कहा राम निवास शास्त्री ने, एक बार सुनिए जरूर। ये जो भागवत है, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान स्वयं हमारे मध्य में भागवत के रूप में विराजमान है। भागवत के प्रारंभ में सौनक जी महाराज ने सुत जी महाराज से छह प्रश्न किए थे। उसमें से एक प्रश्न था कि जब भगवान अपने गोलोक धाम में पधार गए तो धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म जो है वो किसकी शरण में गया। तो सुत जी महाराज ने कहा धर्म भागवते स्थित, धर्म जो है वो भागवत में स्थित है, भागवत में विराजमान है। तो धर्म क्या है उसका निरूपण स्वामी जी महाराज विगत चार दिनों से कर रहे हैं। और वास्तव में अपने धर्म का पालन करना यही हमारा परम धर्म है, यही हमारा परम कर्तव्य है। आज हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म जो है वो हमारा धर्म है। और सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की पालना करना, ये हमारा परम धर्म है, ये हमारा परम कर्तव्य है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा।
धर्म की रक्षा करने का तात्पर्य है धर्म को अपने जीवन में धारण करना। स्वधर्मे निधनम श्रेय, गीता में भगवान कहते हैं अपने धर्म के लिए मर जाना भी श्रेष्ठ है, परंतु पर धर्मो भयावह। पराय धर्म को जीवन में कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारे रामसनेह संप्रदाय के आदि आचार्य अनंत श्री विभूषण दरियाव जी महाराज ने भी अपनी अनुभव वाणी में कहा है कि दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे न सूल, राम नाम रटता रहे तो सर्व धर्म का मूल। बोले कि जो है जो अपने धर्म का पालन करता है वही वास्तव में सभी धर्मों का मूल क्या है, भगवान के नाम का स्मरण करना। राम नाम का स्मरण करने का मतलब है भगवान नाम, हरि नाम, जो भी गुरु महाराज ने नाम दिया है उस नाम का स्मरण करना, स्मरण करना, जप करना, यही सारे धर्मों का मूल है। इसलिए मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं ऐसे लोगों का कभी न तो साथ दें और न कभी ऐसे लोगों का संग करें, तो वास्तव में हम अपने अपने धर्म का पालन करें। और आज के समय में हमारा सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। भारत को अपनी माँ माने, भारत को अपना देश माने, ये हमारे में बहुत कमी है, कमजोरी है कि हमारे राष्ट्र के प्रति जो भाव होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है। बाकी और जो देश हैं उनमें राष्ट्र भावना, आप जरा विचार करें, जापान एक छोटा सा देश है और जिस पर अमेरिका ने अणु परमाणु बम का हमला भी किया, उसको नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु राष्ट्र भावना के कारण आज वो जापान वापस इतना उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया कि पूरे दुनिया में जो है उसकी टेक्नोलॉजी का जो है वो नाम है। और इजराइल देख लो, छोटा सा देश है, 1 करोड़ भी उसकी आबादी नहीं है, परंतु उनमें लोगों में जो राष्ट्र भावना भरी है, अपने राष्ट्र के लिए जो समर्पण भाव है, उसके कारण से आज 57 इस्लाम देश उसके विरुद्ध में है, परंतु फिर भी जो है सबके बीच में वो अपना झंडा लेकर के खड़ा है और सबके साथ में जो है वो अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर हो रहा है। अगर यही भावना, क्या नहीं कर सकते, अरे हम तो 140 करोड़ हैं, पर ये तो और सौभाग्य है कि चीन को भी पीछे छोड़ दिया हमने, और किसी मामले में छोड़ा हो या नहीं छोड़ा हो, परंतु आबादी के मामले में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया, तो आज प्रथम नंबर आबादी में है। तो मैं सोचता हूं कि 140 करोड़ में से 14 करोड़ भी अगर खड़े हो जाएं अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में जो है वो गौरवमय होगा और हमारे विश्व का नाम होगा। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने देश के प्रति समर्पण भाव रखें, और जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, जो धर्म के लिए अपना जीवन देने वाले हैं, ऐसे लोगों का साथ दें, ऐसे लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करें। और ये सब ऐसे गुरुजनों की कृपा है। हमारे देश में अनेक पंत हैं, अनेक संत हैं, अनेक ग्रंथ हैं, तो ऐसे कोई न कोई संत से आप जुड़ करके रहें, कोई न कोई पंथ से आप जुड़ करके रहें, कोई न कोई ग्रंथ से आप जुड़ करके रहें, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा, देश का भी भविष्य उज्जवल होगा, हमारे भारत माता की पूरे विश्व में जय जयकार होगी। और जो भारत जो है गुरु रहा है पूरे विश्व का, विश्व गुरु जो रहा है, ज्ञान के विषय में, शक्ति के रूप विषय में, धन के रूप में, हर रूप में विश्व गुरु रहा है, फिर से उसकी प्रतिष्ठा होगी, ऐसी मेरी भावना है। परंतु ये कूट कूट करके भावना आपके भीतर भरी जाए और जो महाराज स्वामी जी संदेश दे रहे हैं उसे अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि धर्म का भाव ही होता है धार्यति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म होता है। इसलिए हम स्वामी जी के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करें, और यदि एक भी उपदेश अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा तो जीवन दिव्य बनेगा ही, परंतु उसके साथ में हमारा भारत का भविष्य भी उज्जवल होगा। यही भावना लेकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरे साथ में एक बार भारत माता की जय जयकार बोले, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।